तो अपनी इन्फिनिक्स एंड मोटो जो ब्रांड है ना, पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा तगड़े फोन लॉन्च कर रही है। मतलब मोटो ने तो भाई साहब 5G के अंदर भी पैर रखा हुआ है, एंड इन्फिनिक्स अब कैसे पीछे रह सकते हैं। तो इन्फिनिक्स भी अपना एक फोन लेकर आने वाला है जो आपको 5G मिल जाएगा, एंड वो फोन आप लोगों को अंडर 20,000 मिलेगा। एंड इसके अंदर प्रोसेसर आपको काफी ज्यादा OP मिल जाएगा। अगर आप लोगों की प्रायोरिटी के अंदर गेमिंग वगैरह आएगी तो आप लोग डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। बट जब तक इस फोन की थोड़ी और स्पेसिफिकेशन हमारे सामने आ जाए तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी हमें इस फोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट जितना भी पता मैं आप लोगों के सामने सब कुछ प्रस्तुत करने वाला हूं। हेलो सुल्तान, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स 05G के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चाहो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर देना, उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने इन्फिनिक्स 05G के डिस्प्ले डिजाइन की। तो डिजाइन अपने पास अभी आधा है, तो अभी आप लोग आधे डिजाइन से काम चला लो। बैक आधी मिली अपने को, पूरी नहीं मिली, बट जैसी पूरी मिलेगी मैं आप लोगों को एक, मतलब जब थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिफिकेशन पता चलेगी ना तो मैं आप लोगों को एक वीडियो और बना दूंगा। अभी ये नहीं दो चार चीजें पता चली तब बनाऊंगा, बट थोड़ी सी, मतलब मेरे पास कुछ कॉन्टेंट तो हो अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा ज्यादा हो तब मैं आप लोगों को बना के बताऊंगा। आप लोगों को बना के नहीं, वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। बाकी इस फोन के आपको एक बड़ा पैनल मिलेगा, 6.7 इंचेस के अराउंड का आप लोगों को पैनल मिल जाएगा। अभी यहां पर दो पॉसिबिलिटी आते हैं कि इस फोन में आपको OLED पैनल मिल सकता है एंड दूसरा आपको IPS पैनल मिल सकता है। एवरीवन इज लाइक हां पता है इन दोनों में से कोई मिलेगा, Samsung थोड़ी ना जो TFT प्रोवाइड कर देगा। देखो अगर आप लोगों को IPS पैनल मिलेगा तो इधर आपको 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिल सकता है, वहीं अगर आपको OLED पैनल मिलेगा तो इधर आपको स्टैंडर्ड 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। बाकी इधर आपको पंच होल मिलेगी जो आपको बैक मिलेगी, प्लास्टिक की मिलेगी, एंड बैक साइड में आपको तीन कैमरे मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं कैमरे की, तो इस फोन में आपको बैक साइड में तीन कैमरे मिलेंगे। 64MP का प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा, इधर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इधर आपको जो दूसरा कैमरा मिलेगा उसके बारे में पता नहीं कि अल्ट्रा वाइड मिलेगा या फिर आप लोगों को पूरा 2MP का मैक्रो शॉट मिलेगा, इस चीज के बारे में पता नहीं, पर इधर आपको 2MP का डेप्थ सेंसिंग मिलेगा जरूर मिल जाएगा। बाकी इस फोन से आप लोग 2K रिकॉर्डिंग कर पाओगे, 16MP की सेल्फी मिल जाएगी। इधर आपको डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर मिलेगा जो आपको 6nm का प्रोसेसर मिल जाएगा, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जाएगा, माली G68 का आपको GPU मिलेगा। बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, फोन आपकी 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा एंड आपको फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, यानी कि 33W का। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो फोन में आप लोगों को 8GB की रैम, 128GB की रोम मिल जाएगी अंडर 20,000। एंड बात करते हैं लॉन्च होने की, तो ये आप लोगों को जनवरी एंड से पहले इंडिया के अंदर मिल जाएगा। एंड हाँ, इस फोन में आपको एक दो एक्स्ट्रा फीचर्स और मिलेंगे जो अभी तक पता चले है। एंड ईजी ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, इधर आपको 395 की PPI मिल जाएगी, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ दी बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स का स्टेबल, मतलब बहुत तगड़े वाला UI आपको मिलेगा। मैंने मजाक में बोला है, सार्कास्टिक हो गए। इधर आपको इन्फिनिक्स का UI मिल जाएगा, इधर आपको थोड़े से बॉक्स, थोड़ी सी एड्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो अभी हमें ज्यादा चीजें पता नहीं है, बट जितनी चीजें मेरे को पता थी, जितनी चीजें अभी रूमर वगैरह चल रही थी, वो सब चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। बट जैसे ही फ्यूचर के अंदर, क्योंकि भाई फोन को लॉन्च होने में कुछ 30 दिन रह गए हैं, मतलब अंदाजा मान लो, अभी वरना मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरी मैथ्स वीक है थोड़ी सी, तो अभी आप लोग मान सकते हो कि भाई फोन को लॉन्च होने में 30 दिन बचे हैं, तो धीरे धीरे और स्पेसिफिकेशन बाहर आती रहेगी। एंड जैसे ही स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी हो जाएगी अपने पास, मतलब क्वांटिटी हो जाएगी स्पेसिफिकेशन की, मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको ये फोन कैसा लगा, आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी बड़ी वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।